हाय गाइस, जीके बास्केट में आपका स्वागत है। गाइस, जैसा कि यूपीपीएससी ने आरओ और एआरओ के वैकेंसी निकाला है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ना कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर किस तरीके से कैसे फॉर्म भरना चाहिए। और सबसे बड़ा इशू आ रहा है ओ लेवल का, कि ओ लेवल सर्टिफिकेट किस में होना चाहिए, आरओ में होना चाहिए, एआरओ में होना चाहिए। तो इन्हीं सब इश्यूज को लेके ना आज हम बात करेंगे, वन बाय वन सारे इश्यूज देखेंगे ताकि हम लोगों को पता लग सके। ठीक है गाइस, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसकी लास्ट डेट क्या है, ओके, और प्रारंभिक डेट क्या है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रारंभिक होने की तिथि क्या है, 30/12/2017, और परीक्षा शुल्क में बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, 25/1/2018। एंड स्वीकार करने के, यानी आपका अगर आपका आवेदन पत्र पेमेंट हो चुका है तो आपको स्वीकार यानी एक्सेप्ट करने का, सबमिट करने का जो है लास्ट डेट 30 है। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों का इशू है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी साइट्स ना ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, कुछ गलत भी हैं और कुछ उनका ठीक भी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उससे मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि वैकेंसी कितनी है। कुछ लोगों के ना नज़र में आता है सबसे पहले कि वैकेंसी तो बताओ भाई, तभी तो फॉर्म भरेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना आप लोग को वैकेंसी दिखाता हूँ कि वैकेंसी कितना है। देख लीजिएगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर देखिएगा 460 वैकेंसी। आप कितना देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है 460 वैकेंसी है। अब बात आती है 460 इसका है, तो बता दूँगा आप 460 जनरल रिक्रूटमेंट में है, और जो 5 हैं वो बैकलॉग है। बैकलॉग मतलब क्या, ये आपको थोड़ा सा मैं ये भी दिखा दूँ कि बैकलॉग मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ पर चाहिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पर ये लिख के आ रहा है स्पेशल रिक्रूटमेंट में, कि स्पेशल रिक्रूटमेंट होता क्या है बता दूँ आपको, कि अगर आप इसमें फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास आपका फिजिकल हैंडीकैप होना चाहिए, आप अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हो, या तो स्पेशल रिक्रूटमेंट में ये होगा। और जनरल जो रिक्रूटमेंट है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जनरल रिक्रूटमेंट है, जो जनरल रिक्रूटमेंट सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, और यहाँ पे जो जनरल एंड स्पेशल ये आप देख रहे हो, तो यहाँ पर मतलब है कि आप जनरल रिक्रूटमेंट में भी आप अगर एलिजिबल हो और आप स्पेशल रिक्रूटमेंट में भी एलिजिबल हो तो आप यहाँ पर टिक करना है, आपको बोथ कर सकते हो। तो ये आई थिंक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आता है, स्पेशल रिक्रूटमेंट कैटेगरी में नहीं, तो वो लिख रहा है कि प्लीज सेलेक्ट ओनली जनरल एज द टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट इफ योर डोमिसाइल इज यूपी एंड नॉट बिलोंगिंग टू पीएच कैटेगरी। तो आप जनरल को कीजिएगा, अगर आप पीएच कैटेगरी से नहीं आते हैं और आप यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये इसका ना यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है गाइज, अब हम आगे चलते हैं, फिर से देखते हैं अपना। ये तो वैकेंसी हो गया कि 465 यानी 460 हमारा जनरल रिक्रूटमेंट में है, और हमारी 5 वैकेंसी बैकलॉग में है। अब आता है स्पेशल जनरल, मैंने क्लियर कर लिया। अब होता है आरओ और एआरओ। तो आप बताओ, आरओ क्या होता है, रिव्यू ऑफिशियल इंग्लिश में बोलते हैं, और एआरओ क्या होता है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो ये क्लियर होना चाहिए, समीक्षा अधिकारी, और असिस्टेंट लगा है तो सहायक समीक्षा अधिकारी। अब कहीं सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये आ रहा है आपका कि आरओ के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एआरओ के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किस डिपार्टमेंट के लिए कौन से फॉर्म निकले हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो क्या, कि उत्तर प्रदेश सचिवालय है ना, इसमें समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसमें समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी, और सचिवालय में चलते समीक्षा अधिकारी हिंदी, सचिवालय में चलते समीक्षा अधिकारी उर्दू, उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी, और राजस्व परिषद में सहायक समीक्षा अधिकारी, और लोक सेवा आयोग में भी सहायक समीक्षा अधिकारी। तो आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। लेकिन गाइस, जो ये तो बताया गया कि इन विभागों में वैकेंसी निकली है, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि जो इन्होंने एलिजिबिलिटी दी है वो एलिजिबिलिटी थोड़ी अलग है, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देखिएगा कि जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश सचिवालय, ठीक है। सचिवालय में किसका निकला है, समीक्षा अधिकारी लेखा और सहायक समीक्षा अधिकारी। आपको बता दूंगा, पहली चीज़ तो आप ये क्लियर करो कि जो आरओ है, ठीक है, और जो एआरओ है, उन दोनों में आपको बता दूं कि आरओ में
किसी भी तरह का कोई ओ लेवल नहीं चाहिए, यानी आपका क्या 25% आपकी जो हिंदी टाइपिंग है वो होनी चाहिए, बाकी का आरओ में ओ लेवल नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना, आरओ में लेखा विभाग को छोड़कर, ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि लेखा विभाग लिखा है कि लेखा विभाग में सचिवालय में जो लेखा विभाग है उसमें समीक्षा अधिकारी की हुई, तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या ओ स्त्री प्रमाण पत्र यानी ओ लेवल चाहिए। और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए तो हर दशा में चाहिए, यानी आपकी जितनी भी पोस्ट सहायक समीक्षा अधिकारी की है उसमें आपको बिल्कुल चाहिए। तो पहले तो एक चीज़ ये कन्फर्म आप कर लो कि समीक्षा अधिकारी में किसी तरह का कोई ओ लेवल नहीं चाहिए, केवल लेखा को छोड़ के। जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी दे रहा है कि इन पदों पर भर्ती निकली है। अब हम अगर एलिजिबिलिटी में चलते हैं तो एलिजिबिलिटी में आपको नीचे लेके चलते हैं हम, तो यहाँ पर देखिएगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी की जो बात कर रहा है इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर समीक्षा अधिकारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कोई भी समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, आप चेक कर लेना नोटिफिकेशन में। तो गाइस याद रखना कि ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, इट मीन्स है कि आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में आप लोगों के पास हिंदी का 25 जो वर्ड पर मिनट है वो टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हिंदी और उर्दू के लिए, यहाँ पर आपने देखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपको दिखाते हैं हिंदी और उर्दू, चलते हैं हम लोग, ये समीक्षक सचिवालय में, सॉरी सचिवालय में क्या है, समीक्षा अधिकारी, तो सचिवालय समीक्षा अधिकारी है तो ये हिंदी वाले की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है हिंदी साहित्य होना चाहिए, यानी सचिवालय के सिवा जो भी डिपार्टमेंट है वो आयोग का होगा। अगर वहाँ पे समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी निकाल अभी का उसमें जगह है, वैकेंसी है, तो ध्यान रखना कि आपको उसमें क्या चाहिए, आपको उसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद दूसरी चीज़ आपके पास 25 वर्ड पर मिनट ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना, इतना चीज़ चाहिए किसके लिए, आरओ के लिए। मैं आपको फिर से बता देता हूँ वही चीज़ कि नोटिफिकेशन में जिन वैकेंसी जिन डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली है उन सारे डिपार्टमेंट्स का एलिजिबिलिटी इसमें नहीं दिया गया है। तो याद रखना हमेशा की तरह कि समीक्षा अधिकारी में हिंदी टाइपिंग है, हिंदी टाइपिंग के बाद दूसरा चीज़ याद रखना कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पर समीक्षा अधिकारी की बात कर लेता हूँ कि राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी ये लिखा है, तो हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि राजस्व परिषद बताया आपको, इसमें समीक्षा अधिकारी का वैकेंसी मतलब इस पद पर वैकेंसी निकली है, ध्यान रखना। अब हम अगर इसकी एलिजिबिलिटी में चलते हैं नीचे तो मैं आपको दिखाता हूँ एलिजिबिलिटी राजस्व परिषद। देखो राजस्व परिषद में सहायक समीक्षा अधिकारी की बात कर रहा है, लेकिन लेकिन डिपार्टमेंट कौन सा था, वो समीक्षा अधिकारी। तो हम आगे और भी देख लेते हैं कहीं पर ऐसा हो, तो देखो गाइस कहीं पर भी राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबिलिटी नहीं दिया गया। तो आपको बताऊँ, क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, कि केवल 25 पर वर्ड पर मिनट होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, इतना याद रखना। तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आरओ में क्या चाहिए और एआरओ में क्या चाहिए। तो प्लीज़ लेखा विभाग को छोड़ के आरओ का जितना भी पद है जिस भी डिपार्टमेंट में उसके लिए दो ही चीज़ें, टाइपिंग, तो भाई टाइपिंग तो आप सीख सकते हो, दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ है हमारी ग्रेजुएट होना चाहिए आप। तो इतना याद रखना, ये क्या हो गया, ये होगी आरओ की बात, और एआरओ के लिए वही चीज़ें हैं, आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, 25% होना चाहिए, उसके बाद ना आप जिस डिपार्टमेंट का है उस डिपार्टमेंट के अनुसार आप एलिजिबल होना चाहिए, लेखा का है तो अकाउंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये क्लियर किया कि ओ लेवल का जो इश्यूज था वो यहाँ पर क्लियर हुआ। अब बात आती है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो आपको बता दूँ कि इस बार थोड़ा चेंजेस है, इसमें नेगेटिव मार्किंग किया गया है। आपको एज का तो पता ही होगा कि एज कितना है, तो एज एक बार मैं दिखा देता हूँ एज को भी, यानी आप जनरल के लिए 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए और विकलांग यानी हैंडीकैप के लिए 55%, और बाकी का जो कि ऑफिशियली जितना दिया जाता है रिजर्वेशन वो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में है, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग में देखते हैं,
नेगेटिव मार्किंग में क्या कुछ बोल रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारा। तो गाइज यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बता दूँ आपको कि OMR सीट में 2 प्रतियाँ होंगी, मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी, दूसरी प्रति कैंडिडेट्स कॉपी रहेगी, यानी एक कॉपी हमें लेगी और एक कॉपी जमा हो जाएगी। और कह रहा है परीक्षा समाप्ति के बाद मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी अंतरिक्ष को सौंप देंगे, यानी जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो हमें जमा करनी पड़ेगी। अब क्या कह रहा है, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए निगेटिव मार्किंग व्यवस्था की गई, यानी 0.33 यानी 1/3 का, ठीक है। तो याद रखना है निगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या ये नेगेटिव मार्किंग, कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा कुछ लोगों की नेगेटिव मार्किंग ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में है। हाँ तो आपको बता दूँ ये प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो ऑब्जेक्टिव होगा उनमें ये पाया जाएगा, ठीक है गाइस। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरीज के हैं और आपके 40%, ठीक है ये लिखा है जनरल OBC के हैं, आपके 40% आपके मार्क्स नहीं आते हैं, यानी तो आप क्या होंगे, आप डिस्क्वालीफाई होंगे, आप पास नहीं करेंगे। देखो ये लिख रहा है यहाँ मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, ठीक है तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ कि मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया माइनस मार्किंग है या नहीं है, कितना है, या प्रीलिम्स या मेंस दोनों में, तो वो भी बता दिया मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है, ठीक है। इस चीज़ को प्लीज़ याद रखना कि प्रीलिम्स और मेंस का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि माइनस मार्किंग किसमें होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, तो ऑब्जेक्टिव चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो उन दोनों में है, ठीक है। आप नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया भी है कि प्रीलिम्स प्लस मेंस, ठीक है लिखा है कि अभ्यर्थी, देखो एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, अभ्यर्थी अगर प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षण 40% से कम प्राप्त करते तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे, माइनस मार्किंग तो अलग बात है वो तो है ही, और क्या होंगे डिस्क्वालीफाई भी वो किए जाएंगे। तो प्लीज़ याद रखना कि यहाँ पे माइनस मार्किंग है, और साथ में क्या कि आपके पास मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ दे रहा है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या उत्तरों पर दंड दिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग दोनों में। अब हमारा क्वेश्चन आता है क्या ओ लेवल बनवा सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे भाई मैं ओ लेवल बनवा लेता हूँ, तो ओ लेवल से गाइज बहुत सारी साइट्स ने आपको ये बता रही हैं कि ओ लेवल आप बनवा लो और 6 महीने में हो जाएगा, उसके 4 सेमेस्टर पेपर दे सकते हो, या कोई कह रहा है कि 1 साल में पेपर दे सकते हो। तो बता दूँ ये इल्यूजन है, ये केवल ना वो पढ़ते तो है नहीं नोटिफिकेशन, और उन्होंने जो मन में आया वो बोल दिया। तो अगर आपको क्लियर करना है तो मैं यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार क्या कह रहा है, पद के लिए वांछित जो वांछित योग्यता है आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप जब आवेदन यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपके पास ओ लेवल होनी चाहिए, यानी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, अगर उसके बाद आप ओ लेवल बनवाते हैं तो आपका ये ओ लेवल ना ये ओ लेवल मान्य नहीं होगा। तो गाइज प्लीज़ चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपने पैसे बर्बाद मत कीजिएगा कहीं भी ओ लेवल बनवाने में। अब बात आती है सिलेबस, सिलेबस और पेपर पैटर्न की बात आती है, तो वो भी हम देख लेते हैं कि सिलेबस और पेपर पैटर्न हमारा क्या है। तो गाइज यहाँ चलते हैं, हम सबसे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कहाँ कहाँ सेंटर आएंगे। तो आपके सेंटर ये क्या है, आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़, बाराबंकी, इनमें से कोई भी सेंटर हो सकता है। अब चलते हैं पेपर पैटर्न पे देखते हैं। तो सिलेबस के साथ साथ क्या देख रहे हैं, पेपर पैटर्न यानी आपका क्या प्रश्न भी कितने होंगे, 140 होंगे, और इसमें आपका मार्क्स भी कितना होगा, टोटल मार्क्स होगा आपका 140। और साथ में आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि जो भी आपका सिलेबस है वो सिलेबस ये लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिलेबस को देख सकते हैं। फिर आता है मेंस का, तो सॉरी प्रारंभिक परीक्षा में सेकंड पेपर आता है, एक जनरल स्टडी होता है, एक सेकंड पेपर होता है जो कि हिंदी का होता है, जिसमें कि आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, और पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक भी टोटल भी आपका कितना होगा 60 होगा, यानी 200 हो गया टोटल, ठीक है। तो 200 में से अगर आपको पास होने हैं तो आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं, यानी 80 मार्क्स आपके होने ही चाहिए तभी आप क्वालिफाई करेंगे। योगी जी ने बड़ा अच्छा बदलाव किया है NCERT कैंडिडेट को हटाने के लिए। चलो मुख्य परीक्षा में देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में क्या कुछ होता है। तो आप देख रहे हैं कि मुख्य परीक्षा में पहला पेपर जो सामान्य अध्ययन का है, जिसमें आप देख रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा जैसा होगा, ठीक है, इसमें भी माइनस मार्किंग होगी, ऑब्जेक्टिव होगा इसलिए, और पूर्णांक कितना है 120। फिर हम देखते हैं कि सामान्य हिंदी का डिस्क्रिप्टिव जो होगा, सब्जेक्टिव जिससे बोलते हैं, वो 2.5 घंटे का होगा, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, MCQ नहीं होता है, इसमें होता कितने का है 100 का। और जिस तरीके सेक्शन वाइज मार्क्स यहाँ पर शो हो रहे हैं आप लोग देख सकते हैं कि गद्यांश के लिए कितना होगा, पत्राचार के यानी लेटर के लिए कितना होगा, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या
कि एक हिंदी का ऑब्जेक्टिव होगा ही, जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव होगा वहाँ माइनस मार्क होंगी, एक चीज़ आप प्लीज़ याद रख लेना। तो यहाँ पर आप देखते हैं आधा घंटा मिलेगा, और आधे घंटे में कितना टोटल होगा, 60 का होगा, यानी 12 12 12 12, ठीक है। तो इतना याद रखना कि विलोम शब्द के लिए कितना है, तत्सम तद्भव के लिए कितना है, सेक्शन वाइज यहाँ दिया गया, आप देख सकते हैं। फिर आता है हमारा मेंस में क्या, ऐसे आता है। तो हम ऐसे में देखते हैं कि ऐसे में क्या क्या है। तो ऐसे में 120 नंबर का है, टोटल कितना होगा, 120 का, और किस किस क्षेत्र से, किस किस सेक्टर से आपके पास ऑप्शन होंगे ऐसे लिखने के लिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, एक क्या है हमारा आर्ट एंड कल्चर है, सोशल रीजन है, और सोशल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं दूसरे में क्या है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, और हमारा ट्रेड एंड एग्रीकल्चर है, और यहाँ पर देख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है, आईआर है यहाँ पर, और यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट है, और यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट स्कीम्स है। तो इस तरीके से ना जितने भी पार्ट उनको मिला के कितना बनता है, 400 बनता है गाइज। कहीं पर भी नोटिफिकेशन में इंटरव्यू की बात नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कि इंटरव्यूज में नहीं है, तो बेहिचक इसमें पढ़ाई कीजिएगा, और आराम से ना ये कन्फ्यूजन दूर करके अब इसमें नहीं रहना है कि हमारे पास ओ लेवल है या नहीं है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि जो लोग आरओ वाले हैं उन आरओ वालों को ओ लेवल की ज़रूरत नहीं है, केवल लेखा विभाग को छोड़ के। जो आपने देखा था, मैंने लेखा विभाग आया था एलिजिबिलिटी, जहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी समीक्षा अधिकारी दोनों का जिक्र किया गया है, तो वहाँ पे केवल आपको चाहिए ओ लेवल। बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी होती है तो आपको ओ लेवल नहीं चाहिए, आप बस हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। तो गाइस हिंदी तो टाइपिंग आप सीख सकते हैं आसानी से, नो प्रॉब्लम। तो इस फॉर्म को फिल कर देना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और एआरओ में देखो, कहीं भी अगर एआरओ का नाम लिखा होगा तो उसमें ना उसमें जरूर ये एलिजिबिलिटी दी गई होगी, बस ओ लेवल होना चाहिए। तो गाइस ओ लेवल भी चाहिए, और 25% स्पीड भी चाहिए हिंदी में। ओ लेवल हो गया, और हमारा 25% स्पीड हो गया, और साथ में आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और एक क्वेश्चन और आता है, जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन में जिनका फाइनल ईयर होगा, कि हम फॉर्म को भर सकते हैं, तो बता दूंगा आपको, उसमें पहले ही बोला है कि सबमिट करने पर आप ग्रेजुएट होना चाहिए। जब फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो प्लीज़ अपीयर वाले, हाँ आपको एग्जाम अगर ट्राई करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हो। तो गाइज मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर की हैं, अब कुछ भी आपका अगर क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में प्लीज़ लिखिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आरओ और एआरओ के लिए मैं अपना जीके बास्केट चैनल के द्वारा आप लोगों को ढेर सारे वीडियोज़ अवेलेबल कराऊंगा, जो कि मैं 100% श्योर हूँ कि आपके लिए बहुत ही यूटिलाइज होंगे, और आप उनसे पीटी प्लस मेंस दोनों निकालेंगे। आई होप यू ऑल गाइस, सो प्लीज 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 लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा, और जो भी कन्फ्यूज होता है आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं, उस कन्फ्यूजन को दूर कीजिएगा गाइस, एंड थैंक यू सो मच।